ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ में गाड़ियों के बढ़ते पोल्यूशन को कम करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देने जा रहा है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रकार की छूट देने की पॉलिसी बनाई गई है। इन व्हीकल की खरीद पर पार्किंग फीस 50% कम लगेगी और साथ ही रोड टैक्स भी माफ होगा और GST में भी छूट दी जाएगी। इसे लेकर नगर निगम के कमिश्नर KK यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को पेड पार्किंग में पार्क करने के लिए लोगों को छूट दी जाएगी। साथ ही इस संबंधी निगम सदन में एजेंडा पास किया जा चुका है। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, सिटी के लिए अच्छा है क्योंकि पॉल्यूशन कम करता है और हमारे जितना पेट्रोल एंड डीजल है उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एफर्ट कर रही है। उनकी तरफ से अलग अलग पॉलिसीज निकल रही है, अलग अलग इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। इसी तरह से चंडीगढ़ में भी जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जो हमारे पार्किंग लॉट्स है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए पार्किंग फीस आधी की गई है, 50% पार्किंग फीस जो है वो चार्ज की जाएगी। उसके अलावा चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी काफ़ी रिलीफ्स उन्हें दी गई है, जिसके अंदर रोड टैक्स में माफ़ी है, कुछ और चीज़ों के अंदर जो है वो उन लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। तो इससे मुझे लगता है कि चंडीगढ़ के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोशन के अंदर फ़ायदा होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनको यूज़ करेंगे और वो हमारे सिटी के लिए, देश के लिए, हमारी अर्थ के लिए। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स कहते हैं इनको, हम लो स्पीड स्कूटर्स कहते हैं। इनकी स्पीड 20 से 30 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम हो सकती है, 2 लोग इसमें बैठ सकते हैं। इनको हमें चार्ज करना होता है 6 से 8 घंटे, उसके बाद ये 50 से 70 किलोमीटर तक इनकी माइलेज होती है। इनको चलाने के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई नंबर की ज़रूरत नहीं है और 2 लोग इसमें आराम से बैठ सकते हैं। 14 साल, 15 साल, 60 साल, 70 साल, फीमेल, मेल, कोई भी इसको चला सकता है। ब्यूटीफुल सिटी में प्रदूषण को कम करने के लिए अब प्रशासन की ओर से एजेंडा तो तैयार किया गया है, लेकिन देखना यह होगा कि लोग कितना इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का करते हैं। पंजाब के सिटी वी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।